रोहिणी कोर्ट में दो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी। वारदात के समय उसे कोर्ट रूम में पेशी के लिए लाया गया था। एक वकील ने बताया कि कोर्ट रूम में जज के सामने बदमाशों ने जितेंद्र मान उर्फ गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों हमलावरों की भी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तरीके से तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ भी बेहतर तालमेल को लेकर गंभीर है। भाजपा के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा निषाद पार्टी तथा अपना दल के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60,000 को पार कर गया। जहां सेंसेक्स 60,000 पे रहा, वहीं निफ्टी 17,800 पे कारोबार कर रहा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई सीईओ से बातचीत की और उनसे भारत में निवेश बढ़ाने के लिए आग्रह किया। सेंसेक्स ने 50,000 से 60,000 का सफर केवल पिछले 6 माह में तय किया है। भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने और कोर्ट मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने और कोर्ट के लिए योजना को नोटिफाई किया है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के माध्यम से स्टैंडर्ड परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणाम स्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और अफोर्डेबिलिटी होगी। रक्षा मंत्रालय मॉट ने 24 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के लिए 56C295MW परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए मैसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 56 में से 40 विमानों का निर्माण टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में किया जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 साल के भीतर सभी डिलीवरी पूरी कर ली जाएंगी। रतन टाटा ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया साहसिक कदम है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने कटक जिले के चौद्वारा में ओडिशा का पहला टसर रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और रेशम उत्पादन लागत को कम करेगा। टसर रेशम रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है, जो इसकी खुरदरापन और झरझरा बुनाई से अलग है, जो इसे एक रिगिड और रिस्टिक रूप देता है। रेशम धागा उत्पादन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को KBIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया। हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता V5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीस्ता V पावर स्टेशन के लिए इस पुरस्कार की घोषणा कल वर्ल्ड हाइड्रो पावर कांग्रेस 2021 के दौरान की गई। स्थिरता मूल्यांकन के आधार पर तीस्ता V पावर स्टेशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटकों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए एक थर्मली स्थिर और लागत प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित सेंसर विकसित किया है। विस्फोटकों को नष्ट किए बिना उनका पता लगाना सुरक्षा के लिए आवश्यक है और आपराधिक जांच, माइनफील्ड रिमेडिएशन, सैन्य अनुप्रयोग, गोला बारूद उपचार स्थल, सुरक्षा अनुप्रयोग और रासायनिक सेंसर ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट upsconline.nic.in पर आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा के लिए केवल अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उक्त शुद्धि पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है। महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो 24 सितंबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 शाम 6 बजे तक खुली रहेगी।